अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे से खैरियत से। और आज काफ़ी टाइम बाद मैं बना रही हूँ व्लॉग। एक्चुअली मैं आज काफ़ी टाइम बाद बाहर निकली हूँ, तो मैंने सोचा मैं व्लॉग बनाऊँ जबकि मेरे पास आज थोड़ा सा टाइम है, तो सोचा एक बना ही लूँ। और इंशाल्लाह 4 महीने बाद मैं अच्छे से फ्री हो जाऊँगी और आप भी मेरे दुआ कीजिएगा। फिलहाल हम जा रहे हैं कहीं बाहर, मैं आपको आगे दिखाऊँगी। वैसे पता चल ही जाएगा मैं क्या लाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ लाने जाना है। और इफ़ हम रहा पीछे और वासी मम्मा गेट बंद कर रही है और हम कैब कैब का वेट कर रहे हैं। हाँ डालूंगी मैं लगभग 2-3 दिन बाद, मुझे लगता है। फिलहाल हम कैब का वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको आगे मिलती हूँ रास्ते में। तो गाइस फाइनली पहुंच चुकी मैं सेंसरी के करीब और आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया हूँ कि मैं क्या लाने जा रही हूँ। अब वहीं पे जाते हैं। अब मैं बोल ही देती हूँ, एक्चुअली मुझे ना मेरा मन हुआ लाऊं आईफोन 15 प्रो जो था, मेरे को भाई ने बोला था बोला, बट मेरे आगे कुछ और प्लान भी है, इसलिए मैं प्रो नहीं लाऊंगी, प्रो मैक्स या प्रो। मैं फिलहाल 15 ही लाऊंगी और इंशाल्लाह एग्जाम के बाद देखते फिर बाकी क्या लाती हूँ। मैं फिलहाल चलते हैं। कैसा लग रहा है सोफा तुम्हें? बहुत अच्छा। आप कुछ बोलना चाहोगी? अरे मम्मा ने मेरे लिए लाया है, कोई चीज़ अल्लाह इनको ज्यादा ज्यादा दे। चलो हम चल, क्या हमें जाना है, किस में जाना है? देखते हैं। हम घर की तरफ चल रहे हैं और हम कैब का वेट कर रहे हैं। उसमें 10 मिनट से वो बोल रहा है मैं आ रहा हूँ, अभी तक नहीं आया है वो। घर पहुँच के मैं आप सबसे मिलती हूँ। सर में बहुत दर्द हो रहा है। The next day. तो हेलो एवरीवन, आज मैं अब दूसरे दिन व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि कल जैसे ही मैं घर आई तो फिर मुझे फ़ोन उसका सेटअप वेटअप करना पड़ा, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और आप लोग सोच रहे हो मैंने चश्मा क्यों लगाया है, तो आपको पता है कि आपको कहाँ से पता ही होगी। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं लगाती नहीं थी पहले, एक्चुअली मेरे को चश्मा भी लग गया है, तो अब आप लोगों को मैं काफ़ी, मुझे लगता है अब मैं आपको ऐसे ही मिलूंगी ज़्यादा चश्मे में ही ऑब्वियसली। और मैंने सोचा कि अब मैं पहले चेक करूंगी अपने फ़ोन का, मैं आपको दिखाऊंगी। आप लोग मुझे बोलेगा कि उस फ़ोन से कैसी क्वालिटी आ रही है, बिकॉज मैं अभी उस फ़ोन में स्विच करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी, मतलब व्लॉग शूट करूँगी, आप देखना कि कैसी क्वालिटी आएगी उस फ़ोन से। और तो चलिए करते हैं आप स्टार्ट पहले उसी से। ये रहा मेरा फ़ोन, अब मैं आपको इससे दिखाती हूँ शूट करके, वेट कीजिए। तो गाइस अब मैं शूट कर रही हूँ अपने नए फोन से, तो आप लोग मुझे जरूर बोलेगा कि मैं कैसी आ रही हूँ। वैसे इफा मैं कैसी आ रही हूँ तो भी बताओ। सेम ही आ रही हूँ। सेम आ रही हूँ। हाँ, कुछ डिफरेंस है? ज़्यादा नहीं, मतलब ठीक है, ठीक ठाक डिफरेंस है। और था मेरा मूड असल में प्रो मैक्स वगैरह लाने का, बट क्या हुआ ना कि मुझे बाकी प्लान्स भी है, जैसे कि मैंने आप सबों को कल ही कहा कि मुझे कुछ और प्लान्स है इस साल में ऑलरेडी, तो वो प्लान्स भी होने चाहिए, मतलब कंप्लीट, इसीलिए फिलहाल के लिए मैंने यही फ़ोन लाया। इंशाल्लाह ये भी मैं चेंज करूँगी जल्दी। मुझे फॉर्म बोल रहा था आप 1-2 साल तक एक ही फ़ोन रखो, बट मैं हर साल चेंज करती हूँ, मेरे को पता नहीं क्या होता है, जैसे मुझे अच्छा लगता ही नहीं है, मतलब ना एक ही फ़ोन रखना। तो फिलहाल अब हम करते हैं कुछ और मैं मिलती हूँ आपको। तो गाइस मैं गई थी नीचे थोड़ी देर के लिए और अब मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में वापस, और मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी, थोड़ा सा रिवाइज करूँगी। और वैसे तो अब मैं ज़्यादा इसी के साथ होती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा टाइम व्लॉगिंग को भी दूंगी, बिकॉज मुझे लग रहा है दोनों चीज़ें अब इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं वेट कर ही रही थी काफ़ी टाइम से कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद मैं व्लॉग में उसके इकट्ठे कंटिन्यू कर सकती थी, क्योंकि पहले सिलेबस करना कंप्लीट करना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई, नीट का सिलेबस तो वो तो कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है, इसलिए मैंने सोचा है अब मैं कि मैं बीच में व्लॉग्स भी डालूंगी। तो फिलहाल मैं पढ़ती हूँ और मिलती हूँ आप सबसे। सबसे पहले मैंने लाया है मेरे पानी, जो कि मेरे वेट लॉस के लिए है, तो अब मैं पहले पानी वानी पीऊँगी। और स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी यार, इतनी ठंड है ना मेरे कमरे में कि मुझे फेरन भी लगा के, मुझे ये भी लगा के, यहाँ पे ब्लोअर का सिस्टम भी है, स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मेरे कमरे में बहुत ही ज़्यादा ठंड है, कमरे में नहीं कि आजकल बहुत ही ठंड है, बट मेरे कमरे में बाकी कमरों से ज़्यादा ठंड है। पता नहीं मैंने ये कमरा क्यों पकड़ा था आज, मुझे विंटर्स में मुझे हमेशा यही फील होता। तो गाइस फाइनली हो चुका है मेरा रिवीजन बायोलॉजी का, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ और सोचा आप लोगों को दिखा भी दूँ कि मैं दिन में क्या क्या करती हूँ, तो थोड़ा सा सोचा बना लूँ इस चीज़ का भी व्लॉग, वरना मुझे कोई शौक नहीं था पढ़ाई का इसमें कुछ इन्वॉल्व करने का, बट सोचा थोड़ा सा दिखा दूँ कि दिन का क्या रूटीन रहता है ज़्यादा। मैं पढ़ती हूँ फिज़िक्स वाला ऐप से, मैंने इसी से पढ़ा है मेरा बैच और मुझे फ्री भी मिले थे बैच, किस्मत अच्छी थी मेरी,
आधे बैच खरीदा मैंने एक बैच किस मैं किस बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ मुझे याद नहीं आ रहा है 4.0 से यानी फिर जहाँ पे आप मतलब मैं इजी पे अगर मैं इजी करना चाहूँ वो भी कर सकती हूँ अगर मैं यहाँ पे मिक्स करना चाहूँ वो भी कर सकती हूँ मीडियम भी कर सकती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग हार्ड भी कर सकती हूँ वो डिपेंड करता है मेरे पे। तो गाइस फाइनली अब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर ली और मैं आपको मिलाती हूँ। मेरी फ्रेंड आई है जिसने मेरे लिए लाया इसको मैंने बोला था मुझे ये टेस्ट करने बूट चिप्स क्योंकि मैंने अभी खाए नहीं थे। ये इधर पे हाय तो बोल सकती हो चाहे तो ये फिलहाल चेहरा नहीं दिखा सकती है बिकॉज अपने अपने प्रॉब्लम्स आ रहे को कोई फेस इसका भी फेस कभी ना कभी रिवील करूँगी अगर इसका मन किया तो। फिलहाल मैं इसी के साथ बैठी हूँ सोचा कुछ व्लॉग ही शूट करूँ। फिलहाल मैं कुछ खाती वाती उसके बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। तो गाइस ये खा रही थी मैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा तीखा है इसी ने पता नहीं क्या लाया मैंने कभी नहीं खाया इससे पहले डोरिटोज़ का है। तो गाइस फाइनली मैं जा रही हूँ नीचे खाना खाने पहले क्योंकि पहले मैं खाना खाऊंगी फिर मैं एक बूट खाऊंगी मेरे स्टमक में होने लगी पेन। महारानी साहिबा नीचे उतर रही है इफ़ाम आपके लिए चिप्स लाया गया है। रहा मेरा खाना और ये कुछ सब्जी बनाई है मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने खाना वाना खा लिया है और अब मम्मा को जाना है कहीं तो फिलहाल हम मम्मा को रुखसत करते हैं और बोलेगा मम्मा कैसी लग रही थी किधर जा रही हो किधर जा रही हो मम्मा ज़ियारत पे जा रही है नहीं यही है बस आ रही हूं। जाओ फिर हाँ हाँ। तो गाइज मेरी फ्रेंड अब वापस जा रही है बिकॉज और मेरी टांग बोलते हैं ना सो गई वही हो गया इसलिए मैं ऐसे चल रही हूँ अगर दिख रहा होगा कैमरा में तो। और ये अब जा रही है बेचारी क्योंकि उसको लेट हो गया अब हम जाएंगे फिलहाल। अरे तो कब आई है वो महीने के बाद। तो गाइज मैंने सोचा कि मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ ना कि लाइक मैंने व्लॉग बनाया सब कुछ लेकिन इतना टाइम बाद बना रही हूँ मैंने बोला ही नहीं मेन रीज़न क्या था मेरा व्लॉग छोड़ने का। मेरा व्लॉगिंग छोड़ने का ये रीज़न था कि लाइक मैं बीमार हो गई थी पहले कुछ टाइम तक फिर मेरे को कुछ चिकन पॉक्स वगैरह हुए थे लाइक कुछ टाइम पहले और उसके बाद फिर मेरी पुफी वगैरह आई थी लंदन से तो हम उसमें बिजी थे तो उसके बाद ही मेरा यहाँ से मेरा बैच अपना स्टार्ट किया था APW से। तो फिर मैंने सोचा पहले मैं सिलेबस कम्प्लीट करूँगी उसके बाद मैं दोबारा से आऊँगी और ऑलमोस्ट अब मेरा सिलेबस कम्प्लीट है तो इंशाल्लाह अब मैं दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब डेली तो नहीं होगा बट बीच में मैं डेफिनेट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी दिल की धड़कने मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है लाइक मैं आज काफ़ी टाइम में व्लॉग डाल रही हूँ पता नहीं मतलब कुछ पता नहीं है व्यूज आएंगे नहीं आएंगे तो क्या ही कर सकते हैं मतलब मैं मतलब मेरा चैनल जो था अच्छी मतलब रीच वगैरह पे था लाइक मतलब अच्छे खासे व्यूज वगैरह सब कुछ होता था मतलब आते थे एंड इंस्टा पे भी रील्स डालती तो वहाँ पे भी सब कुछ अच्छा ही चलता है अगर बीच में डालूंगी तो। लेकिन अब क्या है कि आज काफ़ी टाइम बाद डाल रही हूँ नर्वस हूँ क्या पता मतलब कहीं मेरे को कुछ कोई भी ना आए कहीं मैं डिसअपॉइंट ही ना हो जाऊँ बट मैं बोलते हैं ना वो हिम्मत करके डालने वाली हूँ ये व्लॉग तो मैं अब डालने वाली हूँ तो आज का मुझे लगता है अभी व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो अब दोबारा से जो भी मतलब पहली बार देख रहे हो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे पहले की तरह सपोर्ट करोगे जैसे आप लोग मुझे पहले करते थे तो मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। सो हाँ थैंक यू सो मच।